नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं कि नीतू शर्मा ने कमेंट किया है कि कोरल ड्रॉ में एक ही इमेज के बॉर्डर या सर्कल में टू कलर्स कैसे दे सकते हैं। तो ये नीतू शर्मा जी ने कमेंट किया है। तो सबसे पहले नीतू शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। देखिए, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था कि फ़ोटोशॉप में एक बॉर्डर में दो कलर्स कैसे देते हैं। तो इसे देखने के बाद नीतू जी ने कमेंट किया कि कोरल ड्रॉ में भी अगर आपका जो बॉर्डर है उसमें दो कलर्स हम लोग कैसे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कोरल ड्रॉ के अंदर अगर कोई बॉर्डर है और उसमें इमेज भी है तो बॉर्डर में हम लोग दो कलर्स कैसे देते हैं। तो बताने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कोरल ड्रॉ मेरा खुला हुआ है। यहाँ देखिए आप एक इमेज दिखाई दे रहा है, सर्कल है, सर्कल के अंदर इमेज है और इसका देखिए बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है इसमें दो कलर है। एक आपको दिख रहा होगा येल्लो है, प्लस यहाँ पे देखिए ग्रीन है, दो कलर मिक्स किया हुआ है, देखिए येल्लो एंड ग्रीन। बीच में देखिए एक तस्वीर भी दिया हुआ है और यहाँ देखिए सेम, देखिए उसी तरह एक स्क्वायर नुमा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका बॉर्डर देखिए येल्लो है और हाफ देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है बॉर्डर के अंदर। बीच में देखिए इमेज आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए हाफ आपको स्काई ब्लू कलर का इधर देखिए राइट हैंड साइड में बॉर्डर है, इधर है हाफ और हाफ देखिए यहाँ पे येलो कलर दिया हुआ है, ये हाफ आप करके देखिए बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरह का हम लोग बॉर्डर, दो कलर का बॉर्डर हम लोग कैसे देते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, ऐसे देख लीजिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे और ये मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रॉ X3 के अंदर। लेकिन बताने से पहले अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो कोरल ड्रॉ 12 हो, 11 हो, चाहे X7 हो या X5 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, अगर आप सर्कल नुमा अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो सर्कल पहले लेना होगा, अगर आपको रेक्टेंगल नुमा बॉर्डर बनाना है तो रेक्टेंगल शेप लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल नुमा बॉर्डर बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए और ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको ड्रॉ कर देना है। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आप चाहें तो कोई सा भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फिल कर दिया, राइट हैंड साइड में कलर का पैलेट है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अंदर फिल हो जाता है। तो कलर आप फिल कर सकते हैं, नहीं भी फिल कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए जो कलर आपको अच्छा लगे, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है, थोड़ा सा टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे नीचे से दूसरे नंबर फिल टूल है, देखिएगा फिल टूल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ये आपका फ्लाई आउट यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे फिल टूल के साथ देखिए यहाँ पे फाउंटेन फिल डायलॉग है, ये एक टूल है फाउंटेन फिल डायलॉग का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाउंटेन फिल का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे टाइप दिया है, लीनियर दिया, आपको लीनियर चूज़ करना है। नीचे यहाँ पे देखिए कलर ब्लेंड दिया है, यहाँ देखिए टू कलर आपको चूज़ करना होगा और यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिया हुआ है, एक टू दिया हुआ है। तो फ्रॉम वाला बॉक्स में आप क्लिक करके जो आपको कलर अच्छा लगे, जैसे मुझे अगर स्काई ब्लू ये केन दिया हुआ है, इसको अगर चूज़ करना है चूज़ कर लिया। टू से यहाँ पे एक और दूसरा कलर चूज़ कर लिया, येलो चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दो कलर मिक्स नुमा आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा एक कलर हाफ हो, स्काई ब्लू और दूसरा येलो, जो आपको कलर यहाँ से चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एज पैड है इसका दो बटन है, ऊपर है परसेंटेज दिया हुआ, तो इससे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज जितना बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए उसका जो मिक्स जो रहता है वो देखिए घटता चला जाएगा, एज पैड देखिए ज़्यादा होगा पूरा का पूरा आपको ब्लू कलर यहाँ पे स्काई ब्लू प्लस यहाँ पे येलो आपको शो करेगा। तो इस तरह का अगर आपको बॉर्डर चाहिए ऐसा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना इधर आप करेंगे तो इधर ये बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ाएंगे तो इधर, आप ज़्यादा करेंगे तो इधर बढ़ेगा, तो इक्वल रखें आप। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के साथ ही देखिएगा दो कलर का इस तरह का बॉक्स में फिल हो जाएगा, देखिए फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स और आपको ड्रॉ करना है, या आप चाहें तो इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पिक टूल पे क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कीजिएगा एक और, देखिए इस तरह का सेम इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब दूसरा इसमें कलर फिल कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैं दूसरा कोई सा भी कलर, जैसे ये कलर फिल कर दिया। अब सेम इस बॉक्स के ऊपर आपको रख देना है
और इसको थोड़ा सा उस बॉक्स से थोड़ा सा छोटा आपको बॉक्स इस तरह बना देना है। देखिए इसके ऊपर रख के इस तरह का आपको बॉक्स बना देना है। ये देखिए जैसे ये बॉर्डर नूम जैसे ये जैसे कटिंग हो तो ये बीच से गैप हो जाए। ये देखिए इसके बीचों बीच मैंने वो पहले वाले बॉक्स के ठीक ऊपर ये बॉक्स मैंने रख दिया है। और पहले ऊपर वाला बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो मेनू बार है अरेंज में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए शेपिंग है। शेपिंग के सब मेनू में जाइए, यहाँ पे शेपिंग में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ शेपिंग का डायलॉग बॉक्स इस तरह का एक इस तरह का ऑप्शन उभर कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेपिंग का जो ये जो बॉक्स है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ ट्रिम में क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रिम वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है, लेकिन याद रखना है जो सिलेक्टेड है उस पर क्लिक नहीं करना है। तो सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक कीजिए, और जो सिलेक्टेड बॉक्स नहीं था जो पीछे वाला मैंने सिलेक्ट नहीं किया था उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बाहर आप क्लिक कीजिए और ये जो बॉक्स ऊपर था उस पर क्लिक करके उसको थोड़ा सा इधर कीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा बीचों बीच यहाँ से कट गया। देखिए एक सुंदर सा बॉर्डर यहाँ पे बन के तैयार हो गया, रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह का बॉर्डर तैयार हो गया। अब ये जो बॉक्स है इसको आपको कुछ नहीं करना है, डिलीट कर देना है। तो ये देखिए एक बॉर्डर यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको फोटो पुट करना है, सिंपल है। यहाँ पे फाइल में जाइए, इंपोर्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी फ़ोटो आपको लेना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप चूज़ कीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है, जैसे ये एक फ़ोटो रखा हुआ, इस पर क्लिक किया, उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद ठीक बॉक्स के यहाँ पर कॉर्नर पोर्शन पर रख के आपको इस तरह ड्रैग कर देना है फ़ोटो को इसके अंदर। ये देखिए मैंने रख दिया। अब फोटो तो बॉर्डर के ऊपर आ गया है, तो इसको क्या करना है, पीछे हमको इसको पीछे भेजना है, बॉर्डर के पीछे। तो फोटो को सिलेक्ट करके रखिए, उसके बाद अरेंज में जाइए, ऑर्डर में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए टू बैक ऑफ पेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सुंदर सा, देखिए यहाँ पे क्लिक करके देखिए फोटो के चारों तरफ आपको दो कलर का, देखिए एक आपको स्काई ब्लू कलर का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे येलो का, ये बॉर्डर यहाँ पे तैयार हुआ, फोटो भी यहाँ पे आ गया। अब दोनों को पिक टूल पे, ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए, और दोनों को ये देखिए यहाँ पे जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद दोनों फ़ोटो को और ये बॉक्स को आप दोनों को इस तरह सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अरेंज में जाइए, उसके बाद इसे ग्रुप कर दीजिए। ये मैंने ग्रुप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर के साथ ये देखिए बनके तैयार हो गया फ़ोटो फ्रेम। देखिए एक दो कलर का, एक येल्लो और प्ले आपके एक स्काई ब्लू टाइप का यहाँ पर तैयार हो गया। तो उस अब सर्कल नुमा को कैसे करेंगे, सर्कल अगर लेना है उसका भी अगर दो कलर का बॉर्डर करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे जो टूल है इलिप्स टूल, इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह ड्रैग करके एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैं ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आप एक कलर फिल कर दीजिए इसके अंदर, जैसे ये कलर मैं फिल कर देता हूँ, येलो कलर फिल कर दीजिए, जो आपको कलर फिल करना है फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए और सबसे नीचे से दो नंबर ये वाला फिल टूल पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, फाउंटेन फिल डायलॉग जो लिखा है इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद फाउंटेन फिल का इस तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से टाइप में आपको अगर रेडियल चूज़ करना है रेडियल चूज़ कर लीजिए, लेकिन बेस्ट यही करूँगा मैं, लीनियर चूज़ कीजिए। उसके बाद ब्लेंड का ऑप्शन है यहाँ टू कलर का, जो रेडियो बटन उसे ऑन रहने दीजिए, फ्रॉम एंड टू है। यहाँ पर आपको दो कलर चूज़ करना है, जो आपको कलर अच्छा लगे, जैसे येल्लो है येल्लो चूज़ कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ग्रीन है ग्रीन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज पैड दिया हुआ, सेम उसी तरह अगर आपको बढ़ाना है ये एज पैड, मिक्स नहीं करना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको कम और ज़्यादा जैसे आपको करना है जितना बढ़ाइएगा ये येल्लोनेस और ग्रीननेस कम ज़्यादा होता रहेगा। देखिए यहाँ बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये देखिए मिक्स हो जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ ओके पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए अब दो कलर यहाँ पे ग्रीन और येलो दो आ गया कलर। अब आपको क्या करना है, इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है, इस सर्कल का ही डुप्लीकेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एडिट में जाएंगे, उसके बाद नीचे आइएगा, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। एक सर्कल और बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसको क्लिक करके आप दूसरा कलर चाहें तो यहाँ से दूसरा कलर फिल कर दीजिए। उसके बाद कॉर्नर पोर्शन में इस तरह क्लिक करके इसको ड्रैग करके ठीक यहाँ पर ला के रख दीजिए इसको ऊपर। ये देखिए इसको थोड़ा सा कॉर्नर से आप इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए इधर से भी थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह आपको ड्रैग करना होगा। ये देखिए थोड़ा सा इधर ज़्यादा है तो कम कर दीजिए। ये देखिए सुंदर से, देखिए यहाँ पे चारों तरफ इक्वली देख सकते हैं आप, यहाँ पे बन के देखिए सर्कल यहाँ पे तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला जो ये सर्कल है उसको आपको सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद आप अरेंज में जाना है, सेम उसी तरह शेपिंग में जाइए। जाने के बाद शेपिंग का सब मेनू में जाइए, यहाँ पे शेपिंग में क्लिक कर दीजिए, शेपिंग का इस तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद ट्रिम चूज़ करना है, यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट को ऑन रखना है, उसके बाद ट्रिम पे क्लिक करना है। अब देखिए ऊपर वाला जो सर्कल है वो सिलेक्टेड है, पीछे वाला सिलेक्टेड नहीं है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट का जो बॉक्स है उसको ऑन रखिए, उसके बाद ट्रिम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पीछे का जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद फिर बाहर क्लिक कीजिए, ये जो ऊपर का सर्कल है ये नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए ये सर्कल नहीं चाहिए, इसको रहने दीजिए साइड में। अब देखिए सर्कल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब ये जो सर्कल है देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल है, अब इसके हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। तो इसको खाली करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कलर का देखिएगा जो कलर का पैलेट है उस यहाँ पे क्रॉस है, इसको लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, देखिए खाली हो गया, देख लीजिए ये खाली हो गया। अब आपको क्या करना है, अब एक पिक्चर लाना है, इस सर्कल के अंदर फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे फोटो को। फाइल में जाइए, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से जिस जगह आपने पिक्चर रखा है, यहाँ से पिक्चर बहुत सारा, जैसे ये पिक्चर है इस पर क्लिक कर दिया, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा मैं। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर एक आ गया, ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर मैंने ले लिया है यहाँ से। लेने के बाद थोड़ा सा पिक्चर इसका इक्वल साइज ही रखिएगा। अब पिक्चर को सिर्फ सिलेक्ट करना है, याद रखिए पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए पावर क्लिप है, पावर क्लिप के सब मेनू में जाइए, प्लेस इनसाइड कंटेनर इस पर क्लिक कीजिए, एक एरो आएगा, ये जो सर्कल है जिसको खाली किया था उस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे फिल हो गया, देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा फोटो, तो यहाँ पे इफेक्ट में जाके अगेन आप यहाँ पे पावर क्लिप जाके यहाँ से एडिट कॉन्टेंट करके आप इस फोटो को अपने हिसाब से, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है देखिए सर्कल से बाहर हो गया, फोटो पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से भी आप इसे एडजस्ट कर लें। करने के बाद इफेक्ट में जाएँ, इफेक्ट में क्लिक करें, फिर पावर क्लिप में आएँ, उसके बाद फिनिश एडिटिंग लेवल आपको करना होगा। तो ये हो गया, अब इस फोटो को लाके यहाँ पे रख दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैं लाके रख देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखिए तैयार हो गया। अगर फोटो आपको लगता है नहीं थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो इसको पीछे करने के लिए अरेंज में जाइए, ऑर्डर में जाइए, यहाँ पे टू बैक ऑफ पेज कर दीजिए, हो गया। उसके बाद दोनों को इस तरह आप सिलेक्ट कर दीजिए, क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाइए, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए, ये देखिए सर्कल के अंदर देखिए दो कलर का देखिए आपको यहाँ पे बॉर्डर आ गया, देखिए एक येलो है एक आपका ग्रीन है, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह बॉर्डर, देखिए यहाँ पे एक आपका स्काई ब्लू है येलो, तो इस तरह आप बॉर्डर बना सकते हैं फोटो के, इमेज हो चाहे फोटो है उसके चारों तरफ इस तरह आप दो कलर के बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप नीतू जी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टू कलर्स का बॉर्डर बना सकते हैं कोरल ड्रॉ X3 के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।